हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 26 मार्च का शिफ्ट वन का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था उकई डैम से। उकई डैम कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। और कौन से रिवर पर बनाया गया? तो ये तापी रिवर पर बनाया गया। और उकई डैम का एक नया नाम दिया गया है, बल्लभ सागर। ठीक है, बल्लभ सागर इसका नया नाम है। कंस्ट्रक्ट कब हुआ था? 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्विच कैनाल? तो स्विच कैनाल का देखिए जो ओरिजिनल लेंथ था वो है 194 किलोमीटर और 193 किलोमीटर दोनों माना जाता है। तो जो ओरिजिनल था 193 किलोमीटर था और 164 किलोमीटर भी माना जाता है, उसको बढ़ाया गया फिर। तो इसीलिए दोनों में से जो भी आंसर हो आप उसको टिक कर सकते हैं। और देखिए, स्विच कैनाल ये इजिप्ट में है। और ये दो देख रहे हैं आपको, स्विच कैनाल कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? ये आप देख रहे हैं, दिवूति को ये जोड़ता है इल को हीरा से। ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी और रेड सी का कनेक्शन बनाता है। देखिए, मेडिटेरियन सी ये रेड सी है, मेडिटेरियन सी बगल में है या रेड सी होते हुए पूरा ये रेड सी में है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मेडिटेरियन सी और अरबियन सी को ये कनेक्ट कर देता है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री हैज टेकन डीएनए ऑफ 80 मिलियन पीपल? तो देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअल में गलत है। सबसे ज़्यादा अभी तक के डीएनए कलेक्ट किया गया 8 से 10 मिलियन पीपल का, और वो है चाइना। तो 80 मिलियन की जगह अगर 8 मिलियन होता तो इसका आंसर हो जाता चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट? तो देखिए, इसमें चार ऑप्शन था, पार्लियामेंट, जुडिशरी, तो इसका मीडिया भी ऑप्शन था, तो मीडिया इसका आंसर हो जाएगा। वट इज नॉट फाउंड इन जाइलम? तो देखिए, डाइलम और फाइलम से डेली क्वेश्चन आ रहा है। फाइलम फूड के लिए होता है, जाइलम वाटर के लिए होता है। तो देखिए, इसमें पूछा है कि नॉट फाउंड है, तो जो जो फाउंड होता है हम चारों चीज दे दिए हैं। ट्रैकिडिया फाउंड होता है, वेसल फाउंड होता है, जाइलम फाइबर फाउंड होता है, और पायरेनकाइमा भी फाउंड होता है। तो जाइलम में ये चारों चीज मतलब पाया जाता है। तो जो नहीं पाया जाता होगा ऑप्शन में होगा तो उसको आप टिक कर सकते हैं। तो जो पाया जाता है उसको आप देख लीजिए। श्रीलंका एक्सपोर्ट मोस्टली फिश को एक्सपोर्ट करता है, और उसी में था नेशनल क्रॉप क्या है श्रीलंका का? तो ये है राइस। देखिए, एक न्यूमेरिकल आया है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ और स्पीड दिया हुआ है। तो इसका देखिए फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर स्पीड। तो आप न्यूमेरिकल को वैल्यू को पुट कीजिएगा और आंसर लिख सकते हैं यहाँ से। इंडिया टू ओवरटेक जापान एंड बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? भाई, इंडिया जापान को ओवरटेक के तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी 2028 तक बन जाएगी। विच कमेटी, करेंट का क्वेश्चन हो गया, विच कमेटी इंडेड हज सब्सिडी? द फजी अमनुल्ला जो थे, अमनुल्ला यही हेड भी थे और इन्हीं का कमेटी भी था, यही कमेटी के हेड थे और कमेटी का नाम भी यही था। तो यही कमेटी इंड किया था सब्सिडी को, हज सब्सिडी को। वन क्वेश्चन फ्रॉम द जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज, ये क्वेश्चन नहीं पता, दिया आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। देखिए, एक और क्वेश्चन आया था, न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रोड इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है? तो कंट्रोल, न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए होता है वो। स्पोर्ट्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तीन चार स्टेटमेंट दिया हुआ था जिसमें से एक स्टेटमेंट था मैक्सिको ग्रैंड पिक्स जैसे विटल का होगा, तो उसी तरह चार स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें आपको चुनना होगा कि कौन सही है और कौन नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिस यूनिवर्स? द मिस यूनिवर्स जो थी वो मुंशी चिल्लर नहीं थी, ये मिस वर्ल्ड बनी है। उसी तरह चार ऑप्शन दिया होगा, उसमें पूछा होगा तीन मिस वर्ल्ड यूनिवर्स होंगी, एक नहीं थी, तो वो मुंशी चिल्लर उसका आंसर हो जाएगा। और सुष्मिता सेन इंडिया की सबसे पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। केमिकल बाउंड इन, ये नेक्स्ट सेक्शन के लिए हो गया कि सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स पहला इंडिया का कौन था, तो सुष्मिता सेन, ये अलग से बता दिए। इस तरह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मौसमी चिल्लर। केमिकल यूज्ड इन गन पाउडर कौन सा होता है? तो सल्फर चारकोल पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।